मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। अगर झूठ को अफवाह के पंख लग जाए तो झूठ की रफ्तार प्रकाश की गति से भी तेज हो जाती है। इन दिनों कई राज्यों में बच्चा चोरी की अफवाह उड़ रही है, जिसकी सच्चाई सामने आने से पहले ही भीड़ कई बेगुनाहों को पीट पीट कर अधमरा मॉब लिंचिंग कर चुकी होती है। मगर सवाल ये है कि बच्चा चोरी की अफवाहों को ढाल बनाकर भीड़ तंत्र ऐसे लोगों पर हमला कर रहे हैं जो वास्तव में ना तो बच्चा चोर है और ना ही इनका कोई कसूर है। ये सिर्फ और सिर्फ मसला एक शहर तक सीमित नहीं है, ऐसे कई वाक्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं जो खून की स्याही से लिखे हैं, जिसमें दरिंदगी है, हैवानियत है और नाइंसाफी है, जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। एक बार फिर से साधुओं के लिंचिंग होने से बच गई, हालांकि साधु बुरी तरह से घायल हो गए, सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, पुलिस के सामने भी लोग साधुओं को पीटते गए। इस बार ये सब हुआ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, जहां बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने साधुओं की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने लात घूसों और डंडों से साधुओं को इतना मारा कि एक साधु का सिर तक फट गया। वहीं दो और साधु भी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। मामला भिलाई 3 शाना थाना क्षेत्र का है और इधर पुलिस का कहना है कि शराब के नशे में बेवजह ही इनकी मारपीट की गई है। पिटने वाले तीनों साधु राजस्थान के हैं। भिलाई थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच की घटना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह मामला सामने नहीं आ सका था। पुलिस ने भी केस दर्ज नहीं किया था। गुरुवार को जब इस पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तब पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आई है। तो इसके अलावा भी कई शहरों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां साधुओं पर हमले हुए हैं। इस कॉल के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। मथुरा के थाना जमुना पार क्षेत्र के लक्ष्मीनगर इलाके में लोगों ने एक साधु को उस समय पकड़ लिया जब वो 10 साल के बच्चे के साथ घूम रहा था। लोगों ने साधु को बच्चा चोरी के शक में पकड़ा और पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस साधु को थाने ले आई, जहां साधु के साथ मिला बच्चा उसका भतीजा निकला। तो यह अफवाह लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के सांगली लोगों ने बच्चा चोर समझकर 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। एक अफवाह में इतनी ताकत होती है कि वो भीड़ को किसी की जान लेने पर भी उतारू बना देती है। पहले भीड़ ने गाड़ी में बैठे साधुओं से उनके आधार कार्ड मांगे, जो उन्होंने दिखा भी दिए, लेकिन लोगों की भीड़ तो मानो ही तय कर चुकी थी कि साधुओं की मॉब लिंचिंग करनी है। उधर महाराष्ट्र के ही पालघर में भीड़ ने 2 साधु समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी। चीचले गांव में 16 अप्रैल 2020 की वारदात आपको याद होगी, जहां मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसमें भी साधुओं की मॉब लिंचिंग की गई थी। तो ये सारे मामले थे जो हम आपको बता रहे हैं। तो इन दिनों देश के कई राज्यों में बच्चा चोरी की अफवाहों वाली तेज हवाएं चल रही हैं। जैसे ही कहीं बच्चा चोरी की अफवाह उठती है, भीड़ बेगुनाहों को पकड़कर पीट देती है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं कब कब हुई हैं, कितनी हुई हैं। 20 सितंबर 2015 यूपी के गौतम बुद्ध नगर के दादरी में अखलाक को बीफ खाने के शक में भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा 27 अगस्त 2019 मेरठ में भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह में एक आदमी की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद वो अधमरा हो गया था। 24 अगस्त 2019 गाजियाबाद में अपने पोते के साथ शॉपिंग करने आई एक महिला को बच्चा चोर बताकर उसे पीट दिया गया, ये भी अफवाह तेजी के साथ उस वक्त फैली थी। 7 जून 2019 जमुना टाटी और अजय टाटी दो युवकों को असम में हिंसक भीड़ ने मार डाला था, पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 1 अप्रैल 2017 हरियाणा के नुहू में रहने वाले पहलू खां को राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद देश में खूब बवाल मचा था। 27 जून 2017 डीसीपी मोहम्मद अयूब पंडित को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और शव को नाले में फेंक दिया था, जिसके बाद भी राजनीति खूब गरमाई थी। 3 दिसंबर 2018 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को भी कथित गौकशी को लेकर भड़की भीड़ ने मार डाला था। इसके अलावा अगर बात 18 अप्रैल 2020 की हम करें, तो यहां रामगढ़ में जाविर अंसारी उर्फ राजू का नाम पूछकर पीट दिया गया था बेवजह। एक और तारीख है 11 मई 2020, दुमका में शुभान अंसारी को बकरी चोरी के आरोप में पीट पीट कर सिर्फ अधमरा नहीं किया गया बल्कि मौत के घाट उतार दिया गया।
23 जून 2020 गोड्डा में बकरी चोरी के आरोप में बबलू शाह और उचित कुमार यादव को भीड़ ने जमकर पीटा था, जिसमें बबलू शाह की मौत हो गई थी। 2 जुलाई 2020 जमशेदपुर में गाय का मांस खाने के आरोप में रमेश बेसरा को बुरी तरह से पीटा गया था। 2 जुलाई 2020 दुमका में गाय मांस बेचने के आरोप में छोटूलाल टुड्डू और मंडल मुर्मू को बुरी तरह से पीटा गया था। 16 सितंबर 2020 सिमडेगा में राज सिंह, दीपक कुल्लू, इम्यूनल टेटे, सुगार डांग, सुनील बारला, रोशन डांग, सेम कीड़ो को गौकशी के आरोप में पीटा गया, उनका सिर मुंडवाया गया और जय श्री राम के नारे जबरन लगवाए गए थे। 10 मार्च 2021 रांची में सचिन कुमार वर्मा को ट्रक चोरी के आरोप में पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। 13 मार्च 2021 रांची में मुबारक खां को बाइक चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार दिया गया था। वहीं 19 मार्च 2021 की भी तारीख है, गुमला में हत्या के आरोपी रामचंद्र उराव को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। इन तमाम मामलों पर राजनीति खूब हुई है। इसके अलावा 16 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के पालघर में बच्चा चोरी के शक में दो साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा 14 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र के सांगली में बच्चा चोरी के शक में चार साधुओं को बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके बाद आवाज भी उठी, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हुई है, आरोपियों को पकड़ा भी गया। इसके अलावा मथुरा में भी बच्चा चोरी के शक में साधु को पीटा गया था कुछ दिन पहले। वहीं 6 अक्टूबर 2022 यानी कि आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीड़ ने साधुओं को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। और ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जिस पर ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही चर्चा। वैसे तो अभी भी कई शहरों से ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों में बच्चा चोरी के शक में कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून को हाथ में ना लें। लेकिन उसके बावजूद लोग कानून को हाथ में लेकर भीड़तंत्र का रूप ले लेते हैं। ऐसे ना जाने कितने मामले देश में आते हैं, कई मामले सुर्खी बनते हैं तो कई मामले पता नहीं चल पाते। महाराष्ट्र के सांगली में चार साधुओं के बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई होना, इसके बाद दुर्ग में साधुओं के साथ मारपीट, तमाम सवाल खड़े करता है। आखिरकार ये दरिंदगी कब तक होगी, आखिरकार इसका कौन जिम्मेदार है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।